आइए वचन में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य के पांचवा अध्याय का पहला वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के पांचवा अध्याय का पहला वचन, और जिस सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है। 3 वचन, और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के बीच सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगान युग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। 4 अध्याय के बाद अर्थात स्वर्ग में जो कलीसिया स्वर्ग में जुड़े जाने के एक दृश्य को दिखाने के बाद 5 अध्याय में फिर से सिंहासन की ओर लेकर चलते हैं। सिंहासन से आरंभ करते हैं योहन्ना, और सिंहासन की ओर फिर से लेकर जाते हैं। 4 अध्याय में जैसे उन्होंने देखा एक स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और उस द्वार में से एक आवाज सुनाई दी थी, यहां आ जा। और जैसे ऊपर गया स्वर्ग में चला गया, अर्थात आप और मैं कलीसिया मिलकर स्वर्ग में जब जुबुलाहट को प्राप्त करेंगे, इसी दृश्य के अनुसार हमारे सामने जो द्वार खुला रखा है उसमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। हमें स्वर्ग ले जाने का वक्त आने वाला है,
उसके बारे में यूहन्ना अपनी भविष्यवाणी को दिखाते हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी को दिखाते हैं। भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जो कुछ होने वाला है, इन सारे विषयों को इस पुस्तक में लिखने के लिए कहा गया। और इन पुस्तक की बातों को जो सुनता है, जो पढ़ता है और जिस पुस्तक की बातों को या फिर भविष्यवाणी को मानकर चलता है, वह धन्य है। और जिस सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसकी दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। जो सिंहासन पर बैठा था, इन्होंने नहीं लिखा है जो सिंहासन पर बैठा है उनका रूप कैसा है, कैसा था, यशब की तरह, मानिक की तरह, मरकत के समान दिखाई दिया, बिलोर के समान कांच के समुद्र दिखाई दिया उनके सामने, सिंहासन के भीतर से सामने से सात सितारे थे, गर्जन होने लगी वहां पर, बिजली निकलने लगी है। लेकिन यहां पर क्या कहता है, जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं, उनके हाथ में एक पुस्तक है, उनके हाथ में एक पुस्तक है। बहुत ध्यान दीजिए इस बात को। यहां पर कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, उसको लिखा जाता है। इस धरती के ऊपर अगर आपने कोई गुनाह की है, कोई अपराध किया है, आपके खिलाफ में शिकायत करने वाले कानून के पुस्तक में लिखते हैं। और एक बार कानून के पुस्तक में लिखा गया, आपके ऊपर कार्रवाई चलेगी। ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक आप या तो बेकसूर या फिर गुनहगार साबित ना होंगे। अगर ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जो इनकी समझ से बाहर होती है, उसे बंद किया जाता है। कानून का एक पुस्तक है, कानून के पुस्तक में लिखा हुआ है, भले कोई नागरिक उसे पढ़ते नहीं है, सिर्फ कानून में जाने वाले, कानून की रखवाली करने वाले, कानून मंत्री बनने वाले या फिर कोई पुलिस बनने वाले, ऐसे लोग ही कानून को पढ़ते हैं। यह कानून पढ़ने वाले के पास, इनके पास लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक के बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी को सजा देना तो इस पुस्तक के अनुसार देना है, किसी को बेकसूर साबित करता है तो यही पुस्तक साबित करता है। इस पुस्तक में दो प्रकार के उपलब्धियां हैं। एक उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसे मौका दिया जाता है कि वो उसे बेकसूर साबित किया जाए। दूसरी उपलब्धि यह है, अगर वो सच में गुनहगार है तो दूसरे पक्ष वाले उसे गुनहगार साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कानून का जो पुस्तक होता है, ये कानून का पुस्तक दंड देने के लिए कम, गुनहगार साबित करने के लिए कम, परंतु उसे बेकसूर साबित करने के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसी के लिए कानून बनाया गया है। कानून में इस राह पर चलना, इस राह पर चलना, नहीं चलोगे तो ऐसी सजा मिलेगी, लेकिन उसी कानून के तहत कोई परिष्कार भी मिलती है। इस संसार में हर एक चीज, चाहे वो इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या कुछ और भी क्यों ना हो, हर चीज जो नहीं आती है उसे लिखा जाता है। और यहां जो बातें करते हैं हम, जो यहां बातें करते हैं, ये बातें वैसे कोई लिखते नहीं है। ये बातें तभी लिखी जाती हैं जब हमारे विरोध में कोई शिकायत करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, इन बातों को कोई लिखते नहीं, इस पर कोई गौर करते ही नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर हमने जो भी बातें की हैं उन सब का लेखा देना पड़ेगा। पृथ्वी के ऊपर हमने जो कुछ भी यहां पर बातें की हैं उन सब के विषय में स्वर्ग में हमको एक हिसाब देना पड़ेगा, स्वर्ग पर एक हिसाब देना पड़ेगा। अभी स्वर्ग में पुस्तक है, स्वर्ग में पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? एक जीवन का ग्रंथ है, एक जीवन का ग्रंथ है, और दूसरी हमारी यादें, हमारे काम जिसमें लिखा गया है, वो हमारी पुस्तक है। हम सबको, हर एक व्यक्ति को उन पुस्तकों का सामना करना पड़ेगा। अब एक पुस्तक है जो, ये पुस्तक इस विश्व के बारे में है, इस संसार के बारे में, इस जगत के बारे में, एक पूरे देश की तरह, एक पूरे इस सृष्टि के रूप में, इन सबके सामने एक पुस्तक है। हमारी पुस्तकें अलग है, जीवन का ग्रंथ अलग है, और यह पुस्तक अलग है। और यह पुस्तक सिंहासन पर बैठने वाले की हाथ में है, उस परमेश्वर के हाथ में, उस परमेश्वर के हाथ में है, और इसके भीतर और बाहर लिखी हुई है। यह पुस्तक कोई हमारी पुस्तक जैसे से खोलने वाला पुस्तक नहीं है,
परंतु पुराने समय में देखते हैं ऐसा एक लिपटा हुआ, एक उससे लपेटा हुआ रहता है, रोल किया हुआ पुस्तक है, उसे ऐसा ऐसा खोलने वाला एक पुस्तक है। अक्सर इसमें एक ही तरफा लिखा जाता भीतरी तरफ, इसमें बाहरी तरफ लिखा नहीं जाता है। कोई भी पुराने जमाने के लोग जो इस पुस्तक को लिखते हैं, बाहरी पुस्तक या तो उस बाहरी रूप उसका कुछ और मोहर होता है, या फिर बाहरी पर रूप में उसको कुछ चित्र हो, या फिर उन समय में उसे खाली छोड़ दिया जाता है, भीतर लिखा करते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों की बात है, 2000 साल पहले की बात है, यह 2000 साल पहले की बात है। यूहन्ना ने जब इस दर्शन को देखा, उन्होंने देखा कि पुस्तक है, पुस्तक के भीतर भी लिखा हुआ है, बाहर भी लिखा हुआ है। उसे जब खोलते हैं, सामने पढ़ने वाला भी देखता है, पढ़ने वाले को भी दिखाई पड़ रहा है, सामने देखने वाले को भी दिखाई पड़ रहा है। वैसे यह पुस्तक में सिर्फ पढ़ने वाले को ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्हीं की ओर लिखा हुआ है। लेकिन यहां जो पुस्तक है, जो परमेश्वर के हाथ में, जो सिंहासन पर बैठा उनके हाथ में है, इस पुस्तक के दोनों तरफा लिखा हुए हैं। लिखने के बाद इसके 7 मोहर लगाए गए हैं, इसके 7 मोहर लगाकर इसे बांध दिया गया है। हम जिस समय इस दर्शन को देख रहे हैं, यह दर्शन का वक्त धरती के पर रोमियों की साम्राज्य चल रही थी। ये जब दर्शन हुआ था, यूहन्ना पतमस की टापू में डाला गया था, रोमियों के अधिकार में डाला गया था। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए थे, रोमियों के अधिकार में सलीब पर चढ़ाए गए थे। तो जिन दर्शन की बातों को, जिन प्रकाशित वाक्य की बातों को हम देख रहे हैं, आज से 2000 साल पहले जब इस धरती के ऊपर रोमियों की सरकार चल रही थी, उनके दौरान यूहन्ना को पतमस की टापू में डाल दिया गया था। इन्हें सजा दी गई थी यीशु मसीह के सुसमाचार प्रकट चर्चा करने के बदले में। ये पतमस की टापू में बंदी हैं, लेकिन प्रभु के दिन वे आत्मा में प्रवेश हो जाते हैं और स्वर्ग दर्शन देखते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। अभी चौथे अध्याय स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं, यहां से जितने भी वो स्वर्ग में दिखाते हैं और स्वर्ग से धरती पर क्यों जो होने वाला उन सबको दिखाते हैं। तो अभी स्वर्ग में है, तो धरती के पर रोमियों के समय धरती के पर जो पुस्तक लिखी जाती थी वैसे लिखी जाती थी, और हर एक पुस्तक को अगर वो अधिकार से निकला हुआ है, अगर वो शासक के पास से निकला हुआ है, सम्राट के पास से निकला हुआ है, उसे लपेटने के बाद उसे एक रस्सी या धागा से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उसके ऊपर मोम का एक मोहर लगाया जाता है, जिसके ऊपर राजा की मोहर होती है। अक्सर राजाओं की अंगूठियां देखते हैं, हम पुराने नियम के समय में उनकी अंगूठियां, आज हमारे पास एक रबर स्टैंप होती है, लेकिन उनके यहां पर उनकी अंगूठी होती है। हर एक राजा की अपनी अपनी अंगूठी होती है, उस अंगूठी का पहचान, वो अधिकार का पहचान है। वह इस पुस्तक को लपेटने के बाद, इसे रस्सी से बांधने के बाद, इसे मोम से लगाकर उसके ऊपर राजा की मोहर लगाई जाती है। लेकिन रोमियों का जो ये समय चल रहा था, इसमें इसमें क्या वो कहते हैं, जिस जो विल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अपने एक अधिकार पत्र जो पिता से संतानों की ओर जाती है, वो जो वकील लिख कर आते हैं, मैं सही शब्द आज मिल नहीं पा रहा मुझे, तो उस पुस्तक उस क्या उस विल को लिखते समय, उस विल को लिखते समय रोमियो का एक परंपरा होती है, उनकी एक नियम होती है, उसे 7 बार रस्सियों से बांधा जाता है। एक बार बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया, मोहर लगाया, दूसरा रस्सी बांधा, मोहर लगाया, तीसरा रस्सी बांधा, 7 रस्सियां बांधकर 7 मोहरें लगाई जाती हैं, 7 बोरे उन्हें लगाया जाता है। तो उसी तरह से ये जो भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, किसके हाथ में है? पिता के हाथ से पुत्र के हाथ में जा रहा है। ये पिता के हाथ से पुत्र की विरासत जब लिखी जाती है, विरासत जो लिखी जाती है हमारे कानून में, पिता से संतान की ओर आती है। पिता ने लिखा हुआ विरासत संतान के पास पहुंच रही है, और उसे संतान ही पढ़ता है, संतान के पक्ष में होकर उसका वकील पढ़ता है, उसको पढ़ने का और उसको मोहर लगाकर इनके नामकरण करने का, यह केवल उस वकील के, वो सरकार के पास होती है। सो जो विरासत मिल रही है, जो जायदाद इनके नाम पर लिखी जा रही है, जो संपत्ति इनके नाम पर तबादला किया जा रहा है, वे सब एक विरासत के पत्र में लिखा जा रहा है, और उसे 7 बार बांधकर 7 मोहरे लगाते हैं रोमियो की कानून में।
अभी जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो पिता परमेश्वर हैं। सिंहासन पर जो बैठे हैं वो पिता परमेश्वर है, और ये विरासत किसे दे रहे हैं? अपने पुत्र को दे रहे हैं। क्यों पुत्र को दे रहे हैं? पिता परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। मैं फिर से कहता, इस बात को दोहराता हूं, पिछले काफी दिनों से मैं कह रहा, आज फिर से कहता हूं, वे स्वार्थी नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए एक योग्यता रहती है, और उस योग्यता को उस पुत्र ने प्राप्त किया है, उसे आगे हम लोग देखेंगे। सो पिता के हाथ से जो जायदाद अभी जा रही है, जो पुस्तक जा रही है, जो ग्रंथ अभी जा रही है, जो भविष्य में होने वाले हैं, उनके हस्तांतरण होने वाले हैं, उन सब के विषय में जो लिखा था, उसे उसे खोलने के लिए किसी के पास योग्यता नहीं थी। उसके पर 7 मोहरे लगाए गए हैं। अगर राजा के पास से एक पत्र निकलती है जिसके नाम पर उसे लिखा गया है, वही व्यक्ति उसे खोलना चाहिए। आपके नाम पर जो चिट्ठी लिखी जाती है, आपको ही खोलना पड़ता है, आप ही को दिया जाना चाहिए। उसे खोलने का अधिकार सिर्फ आपको ही है, किसी और को नहीं है। अगर कभी ऐसा हो गया तो आप उससे झगड़ा कर देते हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं, मेरा पत्र खुला हुआ क्यों, मेरा लिफाफा खुला हुआ क्यों है? हमारे नाम पर लिखा हुआ हमारे पास से आना चाहिए, हमारे नाम पर लिखा हुआ लीक होकर कहीं पर जाना नहीं चाहिए। कभी रजिस्ट्री पोस्ट आती है, कभी स्पीड पोस्ट आती है, कभी कुरियर आती है, हमारे नाम पर आती है, हमारे नाम पर ही हमें हस्ताक्षर करके लेना पड़ता है, अधिकार हमारा है उसके ऊपर। अब ये साथ ये जो पुस्तक है जो लिखी गई है, इसके ऊपर अधिकार उसी व्यक्ति का है जो योग्यता को प्राप्त करता है कि इसके मोहरों को खोले। जो योग्यता को प्राप्त करता है मोहरों को खोलने के लिए योग्यता, ध्यान दीजिए इस बात को। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, दूसरे वचन में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है। तो बुलाहट दे रहे, सबको बुलाहट दे रहे, स्वार्थ नहीं है इसमें, पक्षपात नहीं है इसमें, बुलाहट दिया उन्होंने। एक स्वर्गदूत ने, बहुत बड़ा बलवंत स्वर्गदूत ने इन्हें बुलाहट दिया है। किसको दिया है? हर किसी को दिया है, हर किसी को दिया। किस किस को दिया? तीसरा वचन में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। कौन है स्वर्ग में? स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में स्वर्गदूत है। पृथ्वी के ऊपर कौन है? मनुष्य है। पृथ्वी के नीचे कौन है? जो पाताल लोक में चले गए उनको भी मौका दिया गया, जो धरती को छोड़कर चले गए उनको भी मौका दिया गया। तीनों जगहों पर, कहां? स्वर्ग में, धरती में और धरती के नीचे भी। अगर आप में से कोई है अभी भी, अगर आपको लगता है कि हम इसे खोल सकते हैं, तो आ जाओ। लेकिन इसे खोलने के लिए कि योग्यता की जरूरत है, वो योग्यता कि आपने प्राप्त की है, अगर है तो सामने आ जाइए। एक घोषणा, एक खुला घोषणा किया गया है, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा एक खुली घोषणा करते हैं, खुली ऐलान करते हैं, यीशु मसीह खुली ऐलान करते हैं, यीशु मसीह के चेले खुले ऐलान करते हैं, हम सभी खुले ऐलान करते हैं, स्वर्गराज निकट आ चुका है, उसमें प्रवेश कर जाओ। वैसे ही यहां पर भी घोषणा की जा रही है, यहां पर भी ऐलान की जा रही है। किस प्रकार की ऐलान? अगर आप में से कोई इस पुस्तक को ले सकता है, इसे खोल सकता है, इसके मोहरों को तोड़ सकता है, ऐसी योग्यता अगर आप में से किसी ने प्राप्त की हो, तो आ जाओ, आ ले लो ये किताब। आपको भी बुलाहट देंगे वहां पर, मुझे भी बुलाहट देंगे, वचन सुन रहे हम सबको बुलाहट देंगे, हम सबको बुलाहट देंगे। ना सोचना परमेश्वर पक्षपाती है, परमेश्वर अपने पुत्र की ओर रहते हैं, कता भी नहीं होता इस प्रकार से। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है, एक बलवंत स्वर्गदूत को भेजा है, ऊंचे शब्द में यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है। और मैंने स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, क्या करने के लिए? एक उस पुस्तक को खोलने के लिए, दूसरा या उस पर दृष्टि डालने के लिए भी। उस पुस्तक के पर दृष्टि डालने के योग्य भी कोई नहीं निकला,
उसे छूने की बात तो दूर की है, खोलने की बात दूर की है, कम से कम उस पर दृष्टि डालकर उसके करीब जाने की योग्यता किसी ने प्राप्त नहीं किया है। इसके बदले में योना क्या कर रहा है? और मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? योना क्यों नहीं गया खोलने के लिए? दर्शन देखा हुआ योहन्ना, इतना करीब रहने वाला योहन्ना, वो क्यों नहीं गया? वो क्यों नहीं गया? क्यों नहीं कहा जाकर मैं इसके मोहरों को खोलूंगा? क्योंकि योहन्ना जानते हैं कि वो उस योग्य नहीं है। जो वहां पर बैठे हैं वे सब लोग जानते हैं उस योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है उनके पास, वो काबिलियत उनके पास नहीं है, वे नहीं जा सकते वहां। योहन्ना बपतिस्मा भी यीशु मसीह की उनकी महिमा करते हुए वे अपने आप को सीमित रखते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई को योहन्ना ने नहीं लिया, यीशु का स्थान को उन्होंने नहीं लिया है। बपतिस्मा योहन्ना जिस प्रकार से यीशु से पहले जाकर काम कर रहे थे, अपना स्थान नहीं लिया उन्होंने, उनको प्रभु का स्थान नहीं लिया है। प्रभु का स्थान प्रभु का है, प्रभु का स्थान प्रभु का है, स्वर्गदूतों का स्थान स्वर्गदूतों का है, मनुष्यों का स्थान मनुष्यों का है, प्राणियों का स्थान उनकी जगह पर है, प्राचीनों का स्थान उनकी जगह पर है, आपका मेरा स्थान जहां तय किया गया वहीं पर हमारा है। हम सब अपने अपने स्थानों में हैं। जब हम अपने स्थानों में हैं और हमारी सीमाएं हैं, हमारी हदें हैं, और हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे भीतर कितनी योग्यता है कितनी योग्यता नहीं है, जो हम नहीं है उसे कहने के लिए, उसे पाने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। जो योग्यता हमारे अंदर नहीं है, इसे मैं कर सकता हूं ये करने की, ये कहने की साहस हमारे, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि योहन्ना भी वहां पर थे और योहन्ना उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के लिए योग्य कोई नहीं मिला। तब स्वर्गदूत ने नहीं बोला, इससे पहले स्वर्गदूत ने योहन्ना से बात की थी, अभी स्वर्गदूत बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले योहन्ना को जो पीछे से बुलाए थे, पीछे से बातें किए थे और जो द्वार खोलकर बुलाए थे, एक स्वर्गदूत था। वो स्वर्गदूत अभी यहां पर नहीं है। जो प्रचार करे, जो घोषणा करे, ये दूसरा स्वर्गदूत है। और अभी जो योहन्ना से बातें कर रहे हैं वो स्वर्गदूत नहीं है, परंतु पांचवें वचन में, तब उन प्राचीनों में से किन में से? 24 प्राचीनों में से, 24 प्राचीनों में से मुझसे एक ने मुझसे कहा, उन 24 प्राचीनों में से मुझसे एक कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह। उन 24 प्राचीनों में से, हमने बहुत बार गौर किया इस बात को, यीशु मसीह ने कहा 12 सिंहासन तुम्हारे लिए सिद्ध किए गए हैं। आज जो दर्शन देख रहे हो योहन्ना, उनका एक सिंहासन उसके ऊपर है। उन 24 प्राचीनों में एक प्राचीन योहन्ना भी होना चाहिए, लेकिन योहन्ना वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। योहन्ना अभी तक वो सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। योहन्ना अभी दर्शन को पा रहे हैं, भविष्यवाणी को पा रहे हैं, परमेश्वर से दर्शन को ले रहे हैं, प्रकाशन को ले रहे हैं, हमें दे रहे हैं। अपने आप को सिंहासन पर नहीं देखा उन्होंने, रखा नहीं है वहां पर, अपने आप को रखा नहीं है। योहन्ना जिस तरह से ये अपने सुसमाचार को जब लिखते हैं, यही योहन्ना लिखते हैं, ये जो गवाही है उसने दी है जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, ये उस चेले की गवाही है जिससे प्रभु प्रेम करता था, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा वहां पर। योहन्ना ने अपने प्रकाशित वाक्य में 24 प्राचीनों की जगह एक प्राचीन वह खुद होते हैं, लेकिन अपने आप को लिखे नहीं है वहां। उन प्राचीनों में से कोई एक उनका पहचान भी नहीं दिए हैं, नहीं बताया उनमें से कौन आया, पत्रस आया था, नहीं बताया उनके साथ रहने वाले याकूब आया था, वे वहीं पर होंगे, पत्रस होंगे, याकूब होंगे, वे सब वहीं पर होंगे। क्यों योहन्ना इन सबको स्पष्ट रूप से नहीं दिखा रहा है? इनका नाम क्यों नहीं बता रहा है? इनकी पहचान क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये सब अभी गुप्त रखे गए हैं, गुप्त रखे गए हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये दिखाया गया है। जैसे कि एक मनुष्य का चित्र होता है, मनुष्य का चित्र अगर हम चाहते कि उसका चेहरा ना दिखाए, उसका रूप ना दिखाए, तो हम चाहते कि इसके रूप को थोड़ा बदल दे, एक कार्टून जैसा चित्र बना दे, या फिर अंधकार में रखा हुआ एक चित्र बना दे,
जिससे आकार सिर्फ दिखता है, कान दिखते हैं, सिर दिखता है, नाक मुंह दिखता है, इस तरह से मनुष्य का आकार दिखता है लेकिन मनुष्य का चेहरा नहीं दिखता है। हम पहचान नहीं सकते कि उसकी चेहरा क्या है क्योंकि उसे रहस्य में रखा गया है। यूहन्ना ने भी इन सब चीजों को रहस्य में रखा है। 24 सिंहासनों के ऊपर 24 लोग बैठे हैं, उनको श्वेत वस्त्र दिया गया है, उनके सिरों के ऊपर सोने के मुकुट रखे गए हैं, उनके सामने चार प्राणियां नजर आते हैं, चार प्राणियों को रूप भी जो बताते हैं, उनके छह छह पंख वाले हैं, हर पंख के ऊपर अंदर बाहर उनकी आंखें हैं, दो पंखों से अपने आप को ढक रहे हैं, दो पंखों से सिंहासन को उठा रहे हैं, दो पंखों से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और जो सिंहासन पर बैठे हैं हमेशा वही लिखते आ रहे हैं जो सिंहासन पर बैठा है, बैठा है, बैठा है। और जब आगे बढ़ते छठो वचन में, छठो वचन में देखो बहुत खूबसूरत से लिखते हैं, और मैंने वो सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो, मानो मीन्स लगभग ऐसा, उनके जैसा, लाइक, लाइक कहते हैं अंग्रेजी में, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा है। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि एक मेमना का आकार, एक मेमना कैसा वध किया हुआ, वध किया हुआ मेमना दिखाई पड़ रहा है। वध किया हुआ मेमना का अर्थ क्या होता है, जिसका सिर कटा हुआ है। वध के लिए गया हुआ नहीं कहा उन्होंने, वध किया हुआ एक मेमना को मैंने देखा है, उसके सात सींग है, उसके सिर पर कितने, सात सींग है और सात आंखें भी थी उसकी। स्पष्ट रूप से यूहन्ना नहीं लिखते हैं कि मैंने पूरा यीशु मसीह को देखा है। अगर यीशु मसीह का रूप वहां पर लिखा दिया, अभी संसार में सब लोग वही रूप को दिखा देंगे। किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया था यीशु मसीह को, गोल्ड कलर की दाढ़ी में उनको बना दिया था, उनके बहुत ही कोमल की आंखें उनकी थी, लंबे लंबे बाल उनके थे, गोल्ड कलर के बाल उनके थे, और उन्हीं को दिखाते हैं शांत स्वरूप, ऐसा शांत दिखाते हैं। अभी किसी को भी अगर यीशु को दिखाना, उन्हीं को दिखाते हैं। दिखाते दिखाते पिछले कुछ साल में, एक दशक पूर्व, एक सिनेमा आई थी पैशन ऑफ द क्राइस्ट। वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट ऐसे आई कि यीशु मसीह को पूरा लहू लुहान दिखाते हैं, उनके सिर पर कांटों का मुकुट होता है, हाथों में खिले टोकी जाती है, सूली के ऊपर होते हैं, पूरा शरीर पूरा छिद चुका है, ऐसा रूप को दिखाते हैं। पुराने चित्र सब हट चुके हैं, अब नया चित्र हीरो का निकल चुका है। हर कोई कहता है कि मैंने प्रभु को देखा, मैंने प्रभु को देखा। ये रूप प्रभु को जो सीधा स्वर्ग में जाकर जिसने देखा है, उसने साहस नहीं किया कि प्रभु का रूप यहां पर वर्णन करे। उसके बालों को कहते हैं श्वेत हिम के समान है, उसकी आंखें अंगारों के समान है, उसके पांव को देखते हैं थापे हुए इस पीतल के समान होते हैं, लेकिन उन्होंने वर्णन नहीं किया मैंने यीशु को इस तरह से देखा है। कोई स्वर्गदूत का पूरा चेहरा वर्णन नहीं करते हैं, कोई प्राणी का पूरा चेहरा वर्णन नहीं करते हैं, परमेश्वर का चेहरा वर्णन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्हें रहस्य रखते हैं। इनको तभी हम लोग देखेंगे जब हम वहां पर जाएंगे, हम आमने सामने देखेंगे, सब कुछ सीधा देखेंगे। जिस तरह से धनवान और लाजर के, लाजर एक दूसरे को देख रहे थे, अब्राहम को धनवान मनुष्य देख रहा था, उस तरह देख पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनका होना भी बाकी है। अभी तीसरा अध्याय चल रहा है प्रकाशित वाक्य का, इस युग में तीसरा अध्याय लौदीकिया की कलीसिया का समय चल रहा है। हम जब चौथी अध्याय में प्रवेश करेंगे अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, तब ये सारी चीजें देखेंगे। हम जब पांचवें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जब पांचवें अध्याय में प्रवेश करेंगे, ये सारे चीजें होता हुआ हम लोग देखेंगे वहां पर। इसलिए यूहन्ना ने किसी का रूप का वर्णन नहीं किया है, किसी का चित्र पूरी तरह से नहीं दिखाया है। उन्होंने परमेश्वर को जब दिखाया, परमेश्वर के बारे में जब उन्होंने कहा जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने किसी को सिंहासन पर बैठे देखा, कौन है स्वर्ग में सिंहासन पर, परमेश्वर को छोड़ा और कौन हो सकते सिंहासन पर, उस खुदावंत को छोड़ा और किसकी किसकी इतनी योग्यता हो सकती है उस सिंहासन पर बैठे। लेकिन जो वर्णन करते हैं नम्रता के साथ वर्णन करते हैं, बढ़ाकर चढ़ाकर वर्णन नहीं करते हैं। इसका प्रतिस्वरूप मैं आपको दिखाकर आज के शब्द कहीं पर समाप्त करता हूं। इसका प्रतिस्वरूप इस प्रकार से है, अगर हमने कोई दर्शन देख लिया है, उस दर्शन के बारे में इतना बड़ा लिख देते, इतना बड़ा लिख देते हैं। कोई किसी ने कहा कि वो 7 दिन की पिकनिक में जाकर आ चुके हैं, 7 दिन की पिकनिक में कहां गए थे, कोई जगह उनको मिली नहीं थी,
अच्छा होता ठंडी जगह ऊटी खुद कोडाईकनाल, क्या बोलते हैं, कुल्लू मनाली, शिमला, कश्मीर जाते। नहीं गए वो, सीधा नरक गए। नरक में जाकर पिकनिक मनाकर आते 7 दिन। कुछ दोस्त लोग गए थे और वहां का वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं, इतना भयंकर वर्णन करते हैं, इतना भयंकर वर्णन करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य प्रभु का वचन सुनाना था। बहुत अच्छा उद्देश्य है, लेकिन डराकर धमकाकर। प्रभु का वचन डर से धमकियों से नहीं होती है, प्रभु का वचन प्रेम से प्रकट किया जाता है। जिसके कान हो वो सुन ले, कहते हैं प्रभु, नहीं तो छोड़ दो। जिसके कान हो तो सुन लेना, नहीं तो छोड़ दो। प्रभु ने जबरदस्ती नहीं किया है, धमकाया नहीं है, डराया नहीं है। नरक के बारे में प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कौन जान सकते हैं? नरक के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह वर्णन कर रहे थे, नरक में उस धनवान इंसान को अपने पूरे होश और आवास में, अपनी पूरी याददाश्त के साथ, अपनी पूरी भूतकाल के साथ में, उसकी भूतकाल की याददाश्त उससे मिटी नहीं है। वो अपना घर जानता है, घर का एड्रेस जानता है, उसके घर में कौन कौन है जानता है, उसके भाई लोग किस हालत में जानता है, सब कुछ दिखाते हैं। उनके वर्तमान को जब उन्होंने दिखाया था, परमेश्वर ने बहुत किस प्रकार से कीड़ों से पकड़ा हुआ, कीड़ों से क्या बोलते खाया हुआ, या फिर वहां पर उसके एक आग में जलकर उसका खाल पूरा निकल कर पूरा पिघलता हुआ नहीं दिखाया। ये सब मनुष्य अपने डर में, अपनी अपनी गलत रीति से प्रचार करने के विषय में करता है। योहन्ना ने इसलिए परमेश्वर को या फिर स्वर्ग को खुले रूप में प्रचार करने का, प्रस्तुत करने का साहस नहीं किया। अगर ऐसा किया होता, सब लोग इसी को उदार मानकर, इसी को मानकर चलते हैं। परमेश्वर चाहते जो गुप्त की बातें गुप्त रहने दे, जब उसे बयान करने का वक्त आएगा तो मेरे पास जितना करीब चलता जाएगा उसे मैं तुझसे बयान करते जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय को हम कल और आगे बढ़ाते जाएंगे। आज समय समाप्त हो रहा तो इसलिए मैं यहीं पर आज इस वचनों को भी समाप्त करता हूं। उस पुस्तक को खोलने और उसे उसके मोहरों को तोड़ने की योग्यता किसी के पास नहीं थी। अगर किसी को मिली थी तो मेमने को मिली है। मेमने को कैसी मिलती है, क्यों दिया गया है, इसका ध्यान हम लोग कल करेंगे। सिर को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हम स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ आपके गौरव बढ़ाते हुए अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। प्रभु फिर से एक बार योग्यता की बात आपने हमसे बताई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें भी प्रभु जी आप कहते हैं जय पाकर हमें योग्य बनना है। प्रभु इस संघर्ष में लड़ने, इस संघर्ष में आगे बढ़ने, आपकी मदद पाकर प्रभु जी जय प्राप्त करने को मदद कीजिए, सहायता में प्रदान कीजिए। प्रभु जी दुआ करते खुदासरा, जितने भी वचन सुने हैं वे सब पवित्रता की, धार्मिकता की, सच्चाई के राह पर चले और आपके स्वर की महिमा को देख पाए। विश्वास के साथ प्रभु जी जितने लोग भी प्रभु विश्वास के साथ आमेन कहते हुए इन प्रार्थनाओं के मित्र प्रभु जी सहमति देते हैं, इन वचनों के साथ सहमति देते हैं, धन्यताओं के साथ प्रभु जी उन्हें आशीष देने के लिए दुआ करते हैं। आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल मिलेंगे प्रभु जी, फिर से एक बार हम सबको ऐसी आशीष देने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, आपके पुत्र के आगमन में स्वर्ग राज में शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी महिमा सारी आदर सम्मान हम आपको देते हैं। हमारे उद्धार करते ईश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ में प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे, आमेन आमेन आमेन। सबको आशीष, सब प्रभु, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।